स्टार्टिंग में हम लोग ओविन और ऑसवर्ल्ड नाम के दो ब्रदर्स को देखते हैं जो कि इस मूवी के मेन विलन्स हैं। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है और हम लोग एक कपल को देखते हैं जिनकी कार कुछ देर आगे ख़राब हो जाती है और वो लोग अपनी कार से बाहर निकल कर देखते हैं कि ये क्या हुआ, हमारी कार को क्या हुआ, ये ख़राब कैसे हुई है। तब यहाँ पर जो ऑसवर्ल्ड होता है वो ओविन को इशारे करके कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर जो उस कपल में जो हस्बैंड होता है वो अपनी कार से बाहर निकलता है और देखता है कि कार में क्या खराबी आई है। तभी वहाँ पर उस आदमी के वाइफ को जंगल में से एक आवाज़ आती है और वो ये सोचने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि जंगल में कोई है कि तुम और तुम कार के अंदर आ जाओ। पर उसका हस्बैंड ऐसी बात नहीं मानता था और कहता है, सोचता है कि वहाँ पर कोई जानवर होगा। तभी वहाँ पर जो ओविन होता है वो एक डंडा लेकर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। और तभी जैसे ही फिर वो औरत अपने हस्बैंड को देखने के लिए जाती है कि उसके साथ क्या हुआ, तभी वहाँ पर फिर से जो दोस्तों ओविन आता है और उस औरत पर भी हमला करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर अब ऑसवर्ल्ड आता है इस मूवी में और ऑसवर्ल्ड उस औरत से कहता है कि हम तुम्हारे हस्बैंड को तो मार देंगे और पर तुम्हें छोड़ देंगे और हम तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा बनाएंगे और जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। अभी ये लड़की यहाँ पर कुछ अलग ही सोचने लगी थी, उसे लगने लगा था कि ये लोग मेरे हस्बैंड को मार देंगे और मेरे साथ कुछ और ही गलत करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वही इस औरत के साथ अब होने वाला था। ये लोग यहाँ पर इनके ऑसवर्ल्ड और ओविन उस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस आदमी के एक एक टुकड़ा शरीर में से निकाल के अब, और मैं आपको बता दूं इस मूवी का जो मेन विलन होता है वो होता है ओवन और ऑसवर्ल्ड का छोटा भाई, जो कि एक आदमखोर आदमी था जो यहाँ पर इंसानों का मांस खाता था और इन लोगों ने उसको एक पिंजरे में बंद करके रखा था। वो लोग आदमी को मारते थे और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े अपने ब्रदर ऑक्स को खिलाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन और बीतते हैं और हम इन लोगों के घर का ही एक सीन देखते हैं जिसके अंदर वही औरत अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बेबी था। यहाँ पर ऑसवर्ल्ड आता है और उस औरत को उसके पिंजरे से बाहर निकालकर एक होममेड बेड पर सुला देता है जो कि सिर्फ घास फूस से बना हुआ था। वो औरत के उन लोगों ने जीभ निकाल दी थी जिसके कारण वो अब चिल्ला नहीं सके और ये लोग उसको उसकी डाइट रोज़ डेली देते थे ताकि उनका जो बेटा हो उस पर कोई असर ना पड़े। अब अगला सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर 4 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में इन चारों फ्रेंड्स की जो कार होती है वो ख़राब हो जाती है और इनमें से एक जो होता है वो बाहर निकलता है और अपनी कार को देखता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम लोग इन्हीं 4 फ्रेंड्स को दोबारा से देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से जो एक फ्रेंड था वो यहाँ पर जंगल में बहुत ज़्यादा तंग आ गया था और वो चाहता था कि अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर जाए, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे और साथ साथ कुछ यहाँ पर एक कार को भी ढूंढ ले जिसकी उनसे हेल्प हो जाए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन 4 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स ऐसे थे, एक लड़की और एक लड़का, जिनके आपस में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे। दोस्तों अगला सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ओविन होता है वो अपने ब्रदर ऑक्स से बात कर रहा होता है और ऑक्स भी यहाँ पर बहुत चिल्ला रहा होता है कि अब उसको उसका खाना चाहिए क्योंकि कई दिन हो गए थे और ऑक्स को एक आदमी नहीं मिला था खाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की जो फ्रेश होने जंगल में जा रही थी उसका जो पैर होता है वो एक रस्सी से टकरा जाता है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जंगल में ये रस्सी किसने लगाई है। हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर वो रस्सी से टच होती है ओविन के घर में एक बैल बजने लगती है और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि उन लोगों ने जंगल में तार बिछा रखे हैं ताकि उनको पता पड़ जाए कि कोई जंगल में आया है। यहाँ पर हम 2 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि इसी जंगल में इंटीमेट हो रहे थे पर उनको यहाँ पर किसी के होने की दोस्तों आवाज़ आ जाती है जिसके कारण वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं ताकि उनको कोई देख ना ले, उनकी प्राइवेसी उन लोगों से कोई छीन ना ले। वो लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी कार के पास आ जाते हैं और जैसा इन लोगों का शक था कि उन लोगों को कोई देख रहा है और दोस्तों ऐसा ही होता है, उन लोगों को ओविन वहाँ पर देख रहा होता है। अब यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो उस जंगल में पेड़ को देख रही थी जिस पेड़ पर खून के कुछ छींटे थे। ऐसा देखकर उन लोगों को कुछ अजीब लग रहा था कि ये जंगल कुछ अजीब है क्योंकि कोई भी जानवर किसी को भी मार दे ऐसे पेड़ पर तो खून के छींट नहीं आ सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग एक पेट्रोल पंप पर आते हैं और यहाँ पर वो हेल्प के लिए आ रहे होते हैं और उनको पता पड़ता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप का ओनर होता है वो यहाँ पर ऑसवर्ल्ड ही होता है। अब ये दोनों जाकर उससे हेल्प मांगते हैं और ऑसवर्ल्ड कहता है कि तुम, मैं अभी कॉल करता हूँ जिससे तुम्हारे लिए हेल्प आ सके। ऑसवर्ल्ड वहाँ पर उस लड़की को ऐसी गंदे नज़रों से देख रहा था तो उस लड़की को कुछ अजीब लग रहा था और वो बाहर चली जाती है उस पेट्रोल पंप से अपने ही दोस्तों के पास। अब यहाँ पर उन 4 फ्रेंड में से हम 2 लोगों को देखते हैं जो अपनी कार में ही बैठे हुए थे। यहाँ पर हम ओविन को देखते हैं जो इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और इन लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता और ये लोग अपना भी कैमरा निकाल लेते हैं। जैसे ही वो अपना कैमरा निकालते हैं ओविन भी वहाँ से चला जाता है।
यहाँ पर वो लड़की होती है जो पेट्रोल पंप पर अपने फ्रेंड के साथ आई हुई थी, उसको यहाँ पर पेट्रोल पंप पे कुछ अजीब लग रहा था, तो वो लोग अपने वहाँ पर जा रही थी, पर यहाँ पर जो उनका एक फ्रेंड होता है वो मना कर देता है जाने के लिए। तो वहाँ पर उसको पेट्रोल पंप के अंदर से एक आवाज़ आती है, और यहाँ पर वो आवाज़ ओविन की थी, क्योंकि वो एक मशीन को ठीक कर रहा था, वो उसे ठीक नहीं हो पा रही थी, तो वो चिल्ला रहा था। वो यहाँ पर उस लड़के से कहता है कि क्या तुम मेरी मशीन को ठीक कर पाओगे, तो वो हाँ करता है, उसके मशीन को ठीक करता है, और वैसे ही ओविन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। अब ये लड़की जैसे ही अपने दोस्तों के पास जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसको जंगल में कुछ आवाज़ आती है, और वो वापस पेट्रोल पंप की तरफ लौट जाती है, और वो ओविन से पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है, और ओविन उसको कहता है कि वो वॉशरूम में है। तो वो लड़की पेट्रोल पंप के बाहर ही अपने दोस्त ओविन का वेट करती है, पर जैसे ही ओविन बहुत देर हो जाती है नहीं आ पाता, वो फिर से ओविन के पास जाती है और कहती है कि माइक कहाँ पर है। वो उससे कहता है कि वो अभी यहाँ पर वॉशरूम से आ गया है, पर वो बाहर गया है। तब वहाँ पर ओविन अपने पेट्रोल पंप का ओपन साइन करके क्लोज कर देता है और उस लड़की के पास जाता है, और दोस्तों हम देखते हैं कि वो उस लड़की को एक उसके ऊपर हमला करके उसको किडनैप कर लेता है और अपने गैराज में ले जाता है, जहाँ पर उसने और लोगों को भी वो रखता था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओविन ने उस लड़की को अपने पास किडनैप कर लिया था और उसको अपने ब्रदर यानी कि ऑक्स के बारे में बताता है, जो कि एक आदमखोर आदमी था। वो उसे उसके बारे में बताता है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कहती है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि हम उसको मार देंगे और तुमको अपनी यानी कि आगे वाली पीढ़ी आएगी तो हम तुमको उसके लिए तैयार करेंगे, यानी कि तुम हमारे बच्चों को अब जन्म दोगी और हम तुमको नहीं मारेंगे, इसके सिवा हम तुम्हारे भाई को मारेंगे यानी कि हम तुम्हारे दोस्त को मारेंगे, जिससे कि हमारे ब्रदर का पेट भर सके। अब यहाँ पर दो फ्रेंड जो और बचे हुए थे वो उस जंगल में उन दोनों की तलाश में जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को आए हुए बहुत टाइम हो गया था, और वो लोग यहाँ पर उन दोनों की फ़ोटोज़ को देखते हैं जो कि ओसवर्ल्ड के कारण वहाँ पर छूट गई थी। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं और वहाँ पर एकदम से ओसवर्ल्ड आता है और उस लड़के पर हमला कर देता है, और वो उस लड़की के पीछे ही भाग रहा होता है, पर वो लड़की भाग जाती है तो वो उस लड़के के पैर काट देता है, जिसके कारण वो भाग न सके। वो उस लड़की के पीछे जाता है पर वो लड़की उसके हाथ नहीं आती, तो वो वापस उस लड़के के पास लौट जाता है और उसके सिर पर हमला करता है, जिससे कि वो लड़का जो है वो बेहोश हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ओसवर्ल्ड उस लड़की को अपने साथ कार में लेकर जा रहा था और उसको वही लड़की जंगल के रास्ते से आती हुई मिलती है। वो लड़की उसे हेल्प मांगती है और वो कहता है कि मैं भी जंगल के बाहर जा रहा हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, तो वो लड़की हाँ कर देती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। वो जैसे ही दोस्तों वहाँ पर देखती है, जैसे वो उसके कैबिन में जाती है यानी कि वो जंगल से बाहर जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ओविन वहीं पर खड़ा मिलता है अपनी गन को लेकर, और वो उस लड़की के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है उस लड़की को मारने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओविन उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था और उसे कह रहा था कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुमको भी तुम्हारे बाकी दोस्तों की तरह मार दूंगा। वो लड़की उसकी बातों को मान लेती है और उसके साथ चलने लगती है, पर वो लड़की जाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रही थी, तो वो ओविन उसको फिर से गन लेकर डराता है। अब ओविन उसको अपने रूम पर लेकर आ चुका था, जहाँ पर वो और लड़कियों को भी मारता था और लड़कों को भी मारता था और अपने ब्रदर को खिला देता था। वहाँ पर वो देखती है कि ओविन जो है वो एक बाइबल की बुक पढ़ रहा है उस लड़की के ऊपर, जिसको उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। और दोस्तों इसका पढ़ने का रीज़न ये था कि वो चाहता था कि उसका जो भी वो बच्चा हो वो भी बाइबल के कुछ चीज़ों को सीख जाए और वो एक अच्छा आदमी बने। अब हम देखते हैं कि वो उन लड़कियों से और उन लड़कों से बातें कर रहा था और उनको फिर से अपने ब्रदर ऑक्स के बारे में बताता है, जो कि एक आदमखोर था, और उनको बताता है कि तुम दोनों मेरे काम आओगी, जिससे कि हम अपने आगे की पीढ़ी को जन्म दे सकेंगे और वो हमारी हेल्प कर सके। अब उसी सीन में हम लोग देखते हैं कि ओविन उनके फ्रेंड को उसकी गर्दन को मोड़ देता है और उसको मार देता है और उन्हीं के सामने उसके टुकड़े करके अपने ब्रदर ऑक्स को खिला देता है, जिसके कारण एक लड़की को ऑन द स्पॉट ही उस लड़की को उल्टियां हो जाती हैं ये सब देखकर। पर ओविन फिर उससे कहता है कि इस बार तो तुमने ये सब कर दिया है, अगली बार से ये सब एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर माना जाएगा और तुमने अगली बार ऐसा करा तो तुमको भी हम अपने ब्रदर ऑक्स को खिला देंगे। वो लड़की दोस्तों उसकी बातों को वहाँ पर मान लेती है और चुपचाप से बैठ जाती है। अब कुछ देर बीतती है, वो लड़की किसी तरह से दोस्तों अपने हाथों को खोल लेती है उन दोनों में से एक लड़की, और वहाँ से भाग निकलती है। ओविन को आवाज़ आती है, वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो लड़कियाँ वहाँ से भाग चुके हैं, जिसके कारण से बहुत गुस्सा आता है। अब वो लड़कियाँ ओविन को उसी के रूम में बंद करके चले जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों वो गुस्से से एकदम पागल हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। अब कुछ देर बाद दोस्तों यहाँ से फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ओविन उस लड़की को मार रहा था। यहाँ से फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, जो उन लड़कियों ने उनके कैबिन से कॉल करके बुलाया था। ये लड़की उस ट्रक ड्राइवर को
सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और कहती है कि हमें पुलिस के पास, अब सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो हमें पुलिस के पास ले जाकर। वो आदमी उनकी कंडीशन को समझता है और उनसे हाँ कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब वो लड़कियाँ उसके साथ जा रहे होते हैं, पर बीच रास्ते में ही वो आदमी अपने ट्रक को रोक लेता है और बाहर आ जाता है और उन गर्ल्स के को धमकी देता है कि तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं उन्हीं के साथ मिला हुआ हूँ और मैं तुमको बता दूँ मैं उन्हीं का ही एक अंकल हूँ और मैं उन्हीं के साथ मिला हुआ हूँ। अब वो लड़कियाँ भी गुस्से में आ जाती हैं, पर वो करे भी तो क्या करे, वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वो लड़कियाँ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी और नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ चले, तो वहाँ पर वो आदमी जो होता है वो उनमें से एक गर्ल के ऊपर है अपनी बंदूक निकालता है, उसके ऊपर पॉइंट करता है और उस बंदूक के नोक पर ही वो उस लड़के को उसके कैबिन में लेकर आता है, यानी कि ओविन और ओसवर्ल्ड के पास। वो उनको उसके पास छोड़ देता है और उनसे बातें करता है, यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी था जिसका ट्रक था वो उससे बातें करता है और ओविन और ओसवर्ल्ड को बताता है कि आगे से तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि इसका हट जाना हम लोगों को एक बड़ी कीमत देकर भुगतना पड़ सकता है। अपने अंकल की इन बातों को सुनकर ओविन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो उसे मारने ही वाला होता है, पर जब ही वहाँ से वो अंकल होता है इनकी वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से वो चला जाता है, जिसके कारण जो ओविन होता है उसका गुस्सा दोस्तों वहाँ पर शांत हो जाता है। अब ऑसवर्ल्ड उस आदमी यानी कि अपने ब्रदर ओविन पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के जाने के बाद ओविन इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो किसी न किसी को मारना चाहता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर एक उनकी फ्रेंड आती है, एक लड़की उनमें से, और वो जो वो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके हाथों को खोल लेती है और उसको यहाँ से भागने के लिए कहती है और वो उसके हाथों में वही आज चक्कू देती है जिससे उसने उसको खोला था और वो उसी चक्कू से अपने पेट में वार करते ताकि उसका वो बेटा था जो वो मर जाए और वो अपने गले पर भी उस चक्कू से वार कर देती है जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। ऐसा देखने पर दोस्तों ओविन गुस्से में आ जाता है, पर वो भी क्या कर सकता था, तो वो इस लाश को अपने ब्रदर ऑक्स को खिला देता है। अब यहाँ से सीन जो है दोस्तों वो फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो वो ट्रक ड्राइवर अंकल थे उनके वो जा रहे होते हैं और यहाँ पर उनको रास्ते में ऑसवर्ल्ड मिलता है। वो ऑसवर्ल्ड को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जो कि काम उसके ब्रदर ओवन ने करा था जिसकी लापरवाही के कारण वो लड़कियाँ वहाँ से भाग गई थी। ऑसवर्ल्ड घर जाकर फिर से ओवन को ये सारी बातें समझाता है और उसे कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ओवन जाता वो बहुत गुस्से में था और वो अपने ब्रदर ऑसवर्ल्ड को भी मार सकता था, पर ऑसवर्ल्ड अपने मन से ही शांत हो जाता है ताकि वो ऐसा नहीं करे। तब उस ट्रक ड्राइवर अंकल को याद आता है कि वो उनके घर पर कुछ भूल आए हैं, तो वो वापस उनके घर पर जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जिसको उन्होंने फिर से बांध लिया था वो वहाँ से फिर से खुलकर भाग जाती है और अपने एक फ्रेंड को अनहोप कर देती है और उसको बेहोशी के हालत में उसे होश में लाती है और उसको छुड़ा लेती है। वो लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि अब हमें जहाँ से भागना होगा, पर वो ऐसा नहीं करता, वो उन लोगों को मारना चाहता था, तो उनमें से वो ओविन को मारता है। मारने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं और वो उसे के ऊपर उस लड़के को मार देते हैं। वो एक लड़की आती है जो उनके ऊपर एक मसैटी से यानी कि हम अपनी आम भाषा में कहें तो दरार से उस अंकल को परवार कर देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर ऑसवर्ल्ड बचा होता है जो अपने ब्रदर ऑफ ऑक्स को खोल देता है और वो उस लड़के पर वार करने के लिए उसे कहता है, तो वो लड़की उसके पीछा करती है और वो उसको एक गन से मार देती है जिसके कारण वो सिर्फ बेहोश होता है। वो जब होश आता है तो ऑसवर्ल्ड उसे कहता है कि उस लड़की का पीछा करो, उसे मार डालो। वो लड़की उसे बचकर कार में बैठ जाती है, पर ऑक्स उसे नहीं पकड़ पाता, तो ऑसवर्ल्ड उस लड़की के ऊपर गन से हमला कर देता है और यहाँ पर ऑक्स उस कार को खोलकर उस लड़की को मार देता है। दोस्तों यहीं पर हमारी मूवी एंड होती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।